साउथ ईस्टर्न रेलवे में एक वैकेंसी आई है, तो इसी फॉर्म को मैं बताने आया हूँ कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फिल कीजिएगा मोबाइल के थ्रू। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे जहाँ है साउथ ईस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ वो पेज जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस फॉर्म का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, डायरेक्ट आप इस लिंक को क्लिक कर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और चलिए इस फॉर्म से रिलेटेड जो बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है 22 नवंबर, यानी कि 22 नवंबर तक आप फिल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। अगर आप चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, जैसे कि वैकेंसी कितनी है, किस तरह से फॉर्म भरते हैं या सिलेबस क्या क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ताकि कोई सा भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। जो है ट्रेड अप्रेंटिस इन वेरियस ट्रेड वर्कशॉप, यानी कि ये है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, यानी कि आप 10th किए हुए हैं, 10th के साथ साथ आप ITI किए हुए हैं किसी भी ट्रेड के थ्रू, तो आप इस अप्रेंटिस के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, सीट कितना है, तो 1785 सीट है। और जो एज है 15 से 24 वर्ष के बीच, यानी कि 15 से 24 वर्ष वाले जो हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, आपको मैं बता चुका हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम विथ 50% मार्क्स विथ ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, यानी कि 10th तो होना चाहिए, साथ साथ उसके साथ आपका ITI किसी भी ट्रेड से पास होना चाहिए। तो चलिए, अगर ये आपका पास एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्म से रिलेटेड जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ टोटल बातें। तो आप दोस्तों देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, यहाँ पर है जो टोटल वैकेंसी है 1700 समथिंग, उस सारे वैकेंसी को बताया गया है जोन वाइज कितने कितने वर्कशॉप के अनुसार टोटल सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यह खड़गपुर वर्कशॉप में 360 सीटें हैं। इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं अपने अनुसार, मैं आपको जूम कर दिखा देता हूं कुछ टाइम के लिए, आप देख लीजिएगा। और किस जोन से आप भरना चाहते हैं, जिस वर्कशॉप नेम से आप भरना चाहते हैं, आप उसी वर्कशॉप नेम से फिल कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आपको फॉर्म फिल कर दिखाता हूँ किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है मोबाइल के थ्रू। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फिर से अपना वापस उसी पेज पर जहाँ से फॉर्म फिल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एग्री के लिए बोला जा रहा है, चलिए मैं इसे एग्री कर लेता हूँ। एग्री करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पेज ओपन हो चुकी है, जहाँ लिखा जा रहा है सिलेक्ट यूनिट, आप किस यूनिट को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको लिखा हुआ है सिलेक्ट सब यूनिट, उसका सिलेक्ट ट्रेड। चलिए मैं अपना यूनिट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी था वो सब सिलेक्ट का नाम दे दिया गया है, रांची है, अदरा है, फिर उसको देख सकते हैं और भी सारा चीज़ें और भी जगह जगह का नाम है। चलिए मैं रांची से चूज कर लेता हूँ, ओके। देन उसके बाद है सिलेक्ट सब यूनिट, चलिए उसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद किस सब यूनिट से, चलिए रांची से है, सो रांची से ही जो है वर्कशॉप, चलिए वर्कशॉप से कर लेता हूँ, ओके। तो दोस्तों आप जिस ट्रेड से हैं आप उसी ट्रेड को चूज करके फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। मैं तो रफली बता रहा हूँ कि किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है, मैं बस वो आपको समझा रहा हूँ। नीचे आते हैं दोस्तों, तो सिलेक्ट ट्रेड, आप किस ट्रेड से हैं, कारपेंटर है या पेंटर है, तो जो भी हैं तो इसी दोनों के होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो चूज किया उसके अनुसार ये दोनों दिया जा रहा है। अब अगर और अदर चूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने चूज किया था, अगर आप अदर चूज करते हैं तो आपको फिल्टर हो गया या जो भी आता है उसके अंदर वो आपको ऑप्शन देता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने चूज़ किया वो बोल दिखा दिया है। अब बोल रहा है क्या, डिफरेंट एबल्ड, तो यस या नो, नो, ओके, देन नेक्स्ट, ओके, देन कंफर्म। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म ओपन हो चुकी है। यहाँ से मेरा अब प्राइमरी रजिस्ट्रेशन, दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा प्राइमरी रजिस्ट्रेशन। चलिए यहाँ से मैं प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कर लूँगा, तो अपना नाम डाल लेता हूँ जो मेरा 10th में जो नाम था, उसके बाद फादर्स नेम्स, उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आते हैं तो मदर्स नेम्स। दोस्तों आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना होगा। और तो इसी बीच दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों साथ, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म से रिलेटेड जो अपडेटेड बातें आती है, नोटिफिकेशन आती है, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के थ्रू बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों रिजर्वेशन कैटेगरी, चलिए आपको क्या है रिजर्वेशन कैटेगरी, चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, चूज़ कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं OBC में आता हूँ, तो मैं OBC चूज़ कर लिया हूँ, आप जो कैटेगरी में आते हैं चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। उसके बाद 10th जो मैट्रिक आपने पास किया था उसका रोल नंबर,
चार डिजिट का होता है जो रोल नंबर। उसके बाद मैट्रिक बोर्ड, आपने किस बोर्ड से पास किया था, बिहार बोर्ड यानी कि BSEB ये रहा, ओके। उसके बाद मार्क ऑप्टेन, आपने कितना मार्क ऑप्टेन किया था, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आपने जो प्राप्त किया था मार्क वो बताना होगा यहाँ पर। तो चलिए मैं जो प्राप्त किया हूँ वो बता दिया हूँ, ओके। और देन मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने की थी, ये मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था मैट्रिक का वो टोटल कितना नंबर का था, 500 नंबर का था। परसेंटेज, आपको कितना परसेंटेज मिला वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, देखिए दोस्तों ले लिया है। और आपने पास कब किया था मैट्रिक वो ईयर पासिंग लिख देना है। इस तरह से दोस्तों स्टेप बाई स्टेप आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद अब ITI, चलिए आप ITI कब पास किया था आपने वो, तो नेम ऑफ ITI इंस्टीट्यूट और ITI मार्क ऑप्टेन, आपने कितना मार्क प्राप्त किया था ITI में और मैक्सिमम मार्क्स टोटल कितनी की थी। तो दोस्तों मुझे आइडिया नहीं है ITI, तो मैं अपना अनुसार डाल रहा हूँ। आपने जितना अब ऑप्टेन किया था और जितना फुल मार्क्स का था आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा। उसका परसेंटेज कितना है ऑटोमेटिक ले लेगा। तो चलिए दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। ये सर्विस मैन है, यस या यस, अदरवाइज नो नन, ओके। उसके बाद अपना आधार नंबर डाल लीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शनल है, तो आप आधार नंबर डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ साफ तौर पे बता दिया है ऑप्शनल। चलिए मैं इसे स्किप कर लेता हूँ, उसको बताता हूँ इधर जेंडर में। चलिए मैं जेंडर अपना चूज कर लेता हूँ, मेल या फीमेल, ओके। उसके बाद रिलीजन में दोस्तों क्या, कौन सा धर्म से आप, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चन है, चूज कर लीजिएगा। उसके बाद अपना एड्रेस, एड्रेस देख सकते हैं दोस्तों आप। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं सिटी विलेज, सिटी विलेज है डाल लीजिएगा। उसके बाद स्टेट, आप किस स्टेट के हैं, तो पटना यानी कि बिहार वो भी डाल लीजिएगा आप। तो आप जिस स्टेट के हैं दोस्तों आप अपने अनुसार फॉर्म को फिल कीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड, तो दोस्तों पिन कोड एग्जैक्ट डालिएगा, फुल पिन कोड डालिएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर, अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो डालिए, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में रेड रेड मार्क स्टार दिया हुआ है सभी में, इसमें फ़ोन नंबर में स्टार मार्क नहीं दिया, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शनल है। चलिए उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी अपना डाल लीजिएगा। ईमेल आईडी अपना एग्जैक्ट जो करंट में अवेलेबल वो डालिएगा, क्योंकि आपके ईमेल आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर या आपसे किस तरह का जो एडमिट कार्ड आएगा वो कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपका फोन नंबर पे, तो ये दोनों है जो करंट डालिएगा जो अभी अवेलेबल हो। चलिए मैं ईमेल डाल लेता हूँ, उसके बाद फिर कंफर्म कर लीजिए मोबाइल नंबर। अब मैं देख लेता हूँ कंफर्म करके, क्लिक एंड कंटिन्यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब चीज़ मैंने अपना डिटेल्स डाला है। चलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद पासवर्ड जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद जो कैप्चा है उस कैप्चा को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फाइनल सबमिट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा, यहाँ से अब मुझे अपना क्लिक हेयर टू अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वेलकम आकाश कुमार, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है और क्लिक हेयर टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। चलिए मैं अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो फोटो है अपलोड करना आपका, उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ बताया जा रहा है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर फाइल साइज नोट मोर 50 KB, यानी कि 50 KB से ज़्यादा बड़ा आपका इमेज और फोटो, जो फोटो है और जो सिग्नेचर का फोटो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं 50 KB के अंदर ही उसे अपलोड करता हूँ। तो आप यहाँ से सिलेक्ट फोटो अपलोड, यहाँ से चूज कीजिएगा। चलिए अब सिग्नेचर चूज कर लेता हूँ एंड अपलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो और मेरा सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है। और फाइनली आप यहां देख सकते हैं मेरा जो फॉर्म है पूरी तरह से फिल हो चुकी है, जो जो मैंने फॉर्म फिल किया है वो पूरा इन्फॉर्मेशन दे चुका है यहां पर। आप देख सकते हैं कंफर्म पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंड पे, यानी कि अब मुझे पेमेंट करना है। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट पेएबल, यानी कि हमें पे करना है टोटल अमाउंट 100 रुपया, यानी कि अगर आप जनरल में हैं और OBC में हैं तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, बाकी सभी के लिए फ्री है। तो चलिए मैं इसे पेमेंट कर लेता हूं दोस्तों। तो पेमेंट के लिए मुझे क्या करना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर पे नाउ लिखा हुआ है, इसे क्लिक करना होगा और उसके बाद डायरेक्ट पे नाउ पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका फॉर्म फाइनली फिल हो जाएगा।
तो यहाँ से देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ से आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जो भी सुविधा आपको मिलता है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हो चुकी है, मैं आपको मोबाइल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ कि किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से, क्योंकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और दोस्तों अगर फॉर्म से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर फिर कोई अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या कोई अदर नोटिफिकेशन के बारे में बताने आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.